तो अभी दोपहर के पूरे 2 बज गए हैं, 1:52। तो मैं अभी ब्रैम्पटन में हूँ, ब्रैम्पटन में घूम रहा हूँ इस वक्त। कल सुबह मेरी फ्लाइट है फिर से, लेकिन जैसे आपको पता है कि कल मैं यहाँ पर लैंड हो गया था, तो कल हम गए थे नायग्रा फॉल्स वगैरह घूमने के लिए। खास किया नहीं कल, तो इसलिए कल व्लॉग भी नहीं बनाया था। लेकिन अभी हम अभी 2 बज गए हैं, तो आज शॉपिंग वगैरह करनी है थोड़ी सी, और अभी थोड़ा सा इंडियन ब्रेकफास्ट करने के लिए जा रहे थे क्योंकि ब्रैम्पटन में आए हैं तो बनता है। तो आज शुरू करते हैं आज का व्लॉग, और हमारे साथ है मणि भाई। इनको आपने पहले देखा हुआ है काफी सारे व्लॉग्स में, तो जब मैं पिछली बार भी आया था इंडिया से वापिस तब भी इनके साथ घूम रहा था। ये है ब्रैम्पटन की गलियां, यहीं पे घुमा हूं मैं जब स्टूडेंट था, हम यहीं पे रहते थे इन्हीं गलियों में, है ना भाई? याद है आपको इन्हीं गलियों में बसेस वगैरह पकड़ते थे चल के जाकर, तो काफी मजा आता था। देखो कितनी खुली खुली स्ट्रीट्स है ब्रैम्पटन की, और यहाँ पर आपको काफी स्टूडेंट्स दिख जाएंगे। देखो जैसे अभी जा रहे हैं, और क्योंकि इसी को इंडियंस का ही इलाका माना जाता है ब्रैम्पटन को। और अभी हम आए हैं इस प्लाजे में, और यहाँ पर है सामने सब्जी मंडी, इधर है सब्जी मंडी, उधर है सामने पंजाबी बाजार। दूसरे प्लाजे में पंजाबी बाजार। तो अभी यहाँ पर है एक रेस्टोरेंट, तो यहाँ पे हमने सोचा कि खाने पीने के लिए जाएं जरा। तो निकल चुके हैं खाने के बाद, इंडियन स्वीट मास्टर गए थे वहां पर जाकर, हमने 2 अमृतसर नान करवाए थे, 1 वाटर बॉटल, और टोटल $32.75 बने। और महंगा लगा थोड़ा सा मुझे, क्योंकि उन्होंने वाटर बॉटल का ही $1 चार्ज किया, जो कि $2.5-3 में पूरा का पूरा केस मिल जाता है, 12 में भी 24 बॉटल होती है उसमें। तो लेकिन अभी हम निकल चुके हैं वहां से, और अभी हम जा रहे हैं प्रीमियम आउटलेट, तो वहां पर देखते हैं जाकर अगर थोड़े से कुछ बढ़िया ऐसे कपड़े कपड़े मिले, क्योंकि यहाँ पर कपड़ों की वैरायटी काफी ज्यादा है एज कम्पेयर टू हैलिफैक्स। और यहाँ पर इतनी ज्यादा गर्मी हुई पड़ी है ना आज, 33 डिग्री फील्स लाइक हुआ है, और बाहर हीट वेव चल रही है, तो पता चल रहा है कि है गर्मी। और वहां पर जब जाएंगे दुबई में इससे ज्यादा होगी ऑब्वियसली, लेकिन यहाँ पर ऐसे फील हो रहा है जैसे इंडिया में जब हम बाहर गर्मियों में घूमते हैं ना, हीट वेव सी चलती है, तो यहाँ पर भी आज सेम फीलिंग है। और अभी हम जा रहे हैं प्रीमियम आउटलेट की तरफ, बस पहुंचने ही वाले हैं 5 मिनट तक। प्रीमियम आउटलेट पहुंच चुके हैं, लेकिन यहाँ पर ना हमेशा भीड़ होती है, जिसकी वजह से पार्किंग बहुत मुश्किल से मिलती है, और आज भी लगता है कि यही सीन है, बड़ी मुश्किल से पार्किंग मिलेगी। ये मस्टैंग को देखकर आप ये मत समझना कि यार इतनी बढ़िया गाड़ी, ऐसा मत फील करना। अगर आप ब्रैम्पटन आओगे तो फिर आपको हर दूसरी गाड़ी ऐसी दिखेगी लेकिन ये लोन के ऊपर होती है, धीरे धीरे एवरी मंथ पे करते हैं $500-600, हाँ 700-800 भी हो सकता है आजकल, 1000 भी हो सकता है देखो क्या यहाँ उधर गड्डी लग चली नहीं लग रही लगी थी लगन बस देखो क्या हालत चल रही है यहाँ पे। ओहो बहुत बुरा हाल है यार, पार्किंग चलानी पड़ी भाई, सीधे चलो हार कर हमें अंदर ही आना पड़ा पार्किंग लगाकर, बाहर तो पार्किंग नहीं मिल रही। कितना टाइम हो गया है ना हमें घूमते हुए, बाहर तो बुरा हाल हुआ पड़ा है। 20-25 मिनट हाँ, और लोग एक दूसरे के ऊपर गाड़ियां चढ़ाने को कर रहे हैं, इतनी भीड़ हुई है बाहर। देखो इसका गाड़ी के बाहर हस्बैंड घूम रहा है पार्किंग के लिए की वाइफ घूम रही है टॉप फ्लोर पे आ गया है हम अभी, पार्किंग यहाँ पे अभी हमें ढूंढनी पड़ेगी। चश्मा उतार लू मेरा पहले, गाड़ियां निकाला पहला तो पेड पार्किंग भी वेट करनी पड़ रही है, देख लो। फाइनली पार्किंग मिल गई है हमें, और अब हम जा रहे हैं टोरंटो प्रीमियम आउटलेट। और अभी भी पार्किंग कैसे मिली, मनी भाई का कोई फ्रेंड जा रहा था चल के, तो उसने अपनी गाड़ी निकाल ली थी, हम उसके पीछे पीछे जाकर उसने वो पार्किंग सिक्योर रखी, फिर हमने वो भी पार्किंग ली। बहुत मुश्किल है, मुझे लगता था तो बिल्डिंग से आज 43 मिनट्स हो गए हमें पार्किंग ढूंढते हुए, और अब जाकर मिली है पार्किंग, देख लो। और अभी हम जा रहे हैं टोरंटो प्रीमियम आउटलेट के अंदर।
तो अभी हम पहुंच चुके हैं यहाँ पर टोरंटो प्रीमियम आउटलेट, और हद से ज्यादा भीड़ हुई पड़ी है यहाँ पर भी। तो जितनी पार्किंग नहीं मिल रही थी बाहर, तो उससे पता चल ही रहा था कि भीड़ तो बहुत हो गई अंदर। ओहो हो, ये देखो ये सारी, अच्छा ये यहाँ से लाइन शुरू हो रही है नाइकी की, यहाँ से लाइन शुरू हो रही है नाइकी की और वो आगे तक जा रही है स्टोर तक। तो पता नहीं, अब नाइकी के बाहर तो बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी, तो अभी किसी और स्टोर में देखते हैं अगर वहां पर जगह मिलती है। लेकिन आगे भी देखो हर जगह लाइनें लगी हुई हैं, क्या करे अब बंदा, कहाँ जाए, कहाँ से शॉपिंग करे। तो वैरायटी जरूर मिलती है यहाँ पर, लेकिन टाइम भी बहुत ख़राब होता है, यही एक सबसे बड़ा नुकसान है यहाँ पर रहने का। भाई को देखकर आपको दिख गया होगा, हम अंदर आ चुके हैं स्टोर के फाइनली, और अब देखते हैं यहाँ पर कुछ मिलता है कि नहीं। काफ़ी बड़ा स्टोर है, देखो पीछे तक है। ओह माय गॉड, बहुत बड़ा आउटलेट है। देखो अभी हम टी शर्ट्स देख रहे हैं, ये बढ़िया लग रही है, और ये लगी हुई है $20 की, आउटलेट है ना इसलिए। और ये एक ये पजामा देखा है, ये लगा हुआ है यहाँ पर $65 का। तो अभी देखते हैं इनमें से क्या बढ़िया लगता है। तो ये वाली टी शर्ट सोच रहा हूँ, एक्सेल मेरा वाला साइज ही नहीं है। आ रही है एक्सेल, ठीक है उसका कपड़ा था निकला था, एकदम बढ़िया था जी। जी कपड़ा पाँगे तो याद करूँगी। तो अभी एक स्मूदी ऑर्डर की है, $9 की आई है। तो अभी हम नाइकी घूम कर आए हैं, और नाइकी से लिया क्या हमने, एक टी शर्ट कुछ तो लिया, लेकिन 25 मिनट लाइन चलवाया। 25 मिनट हम लाइन में लगे थे, तब जाकर हमारी बारी आई। उसके बाद अंदर जाकर ढूंढने पड़े, एक टी शर्ट मिली, पजामा भी देखा था लेकिन वो आया नहीं सही साइज। यहाँ पर अभी हद से ज़्यादा भीड़ है, तो किसी भी और स्टोर में जाएंगे तो लाइन में लगना पड़ेगा, और भीड़ भी नहीं, बाद में बारी भी नहीं आएगी। देखो कितनी भीड़ है यहाँ पर। तो अभी जा रहे हैं हम वापस अपनी गाड़ी की तरफ, और इस तरफ देखो अभी भी इतनी ही लाइन अप लगा हुआ है। 7 बजे बंद हो जाएगा, फिर भी देखो बहुत भीड़ है भाई, बहुत भीड़ है, नहीं आना चाहिए वीकेंड पे, तो नहीं आना चाहिए यहाँ पे। कितनी लंबी लाइन लगी हुई है यार, और पीछे देखो ये पूरी की पूरी पार्किंग ये भरी हुई है गाड़ियों के साथ, दूर तक जाती है ये। तो कितना कुछ पड़ा हुआ है विनर्स पर अभी, लेकिन सबसे पहले हमें चाहिए एक वाटर बॉटल, क्योंकि मैं ट्रैवल करने लगा हूँ ना, तो उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है वाटर बॉटल। जिस जगह पर मैं जा रहा हूँ वहाँ पर गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, हद से ज़्यादा, तो वहाँ पर पानी की ज़रूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी। ये देखो लेकिन महंगी है थोड़ी सी, जैसे ये $25 की लगी हुई है, 6 पेयर्स हैं देखो $17 के। तो ये वाली ले रहा हूँ सॉक्स, तो ये है 3 जोड़े, देखो ये है US पोलो के, 2 ब्लैक हैं इसमें, एक ये रेड वाला, ये बढ़िया लग रहा है, डालूंगा तो अच्छा लगेगा। $10 के आए हैं ये तीनों, अपने कच्छे भी हो गए हैं, अंडरवियर्स 4, और साथ में सॉक्स भी हो गई हैं, और वाटर बॉटल हम अभी भी डिसाइड कर रहे हैं। यहाँ पर देखो कितनी सारी आ गई फिर से। तो ये मैं वैसे पहनता नहीं हूँ, सिर्फ टी शर्ट ही पहन रहा हूँ पिछले 6-7 सालों से, लेकिन अभी मैं जा रहा हूँ घूमने के लिए, तो बहुत गर्मी होगी, तो और मुझे हद से ज़्यादा पसीना आता है गर्मियों में, बहुत ज़्यादा, तो इसलिए मेरे कपड़े हमेशा गीले ही रहते हैं। तो मैं लेने के लिए आ रहा हूँ ये टैंक्स, तो ये टैंक्स थोड़ा पसीना वगैरह अब्जॉर्ब करने में हेल्प करती हैं, और टी शर्ट सूखी रहती है, तो सोच रहा हूँ कि ये ले ली जाए एक बार फिर से, ट्राई की जाए। देखो यहाँ पर कैल्विन क्लेन की पड़ी हुई है, CK वगैरह की, और ये CK की है इसमें 3, और ये है $25 की। तो अभी मैंने ज़ारा से इतने सारे कपड़े उठाए हैं ना देखो, तो ज़रा प्रीमियम से शॉपिंग कर रहा हूँ इस बार, नहीं तो मैं हमेशा इतने ज़्यादा महंगे कपड़े लेता नहीं हूँ, आज थोड़े बढ़िया कपड़े ले रहा हूँ, बिकॉज घूमने जा रहा हूँ ना, दुबई जाना है बाद में, और बहुत जगह जाना है घूमने के लिए, तो उस हिसाब से देख रहा हूँ। तो देखो एक तो ये वाली शर्ट देखी, महंगे हैं काफ़ी, अब ये वाली शर्ट काफ़ी एक्सपेंसिव है, 65 समथिंग है, लेकिन देखते हैं इनमें से कौन सी पसंद आती है, वही वाली लेंगे। ये नीचे तो पजामा ही है देखो, दिस इज़ वाइट पजामा, और इस पजामे का प्राइस कितना है, $70। ऑब्वियसली मैं नहीं लूंगा, देखो नाला भी है इसमें पजामे में, देखो साथ में। अब बाकी सारे कपड़े ट्राई करते हैं, इतने सारे लेकर आया हूँ मैं, अंदर नीचे भी गिरे हुए हैं। वैसे ये वाली शर्ट मुझे काफ़ी बढ़िया लग रही है देखने में, देखना। तो अब देखो एक ये वाली शर्ट देखी है, ये भी काफ़ी बढ़िया लग रही है यार, नीचे ये वाली जीन्स देखो कितनी अच्छी लग रही है, ऊपर शर्ट देखो कितनी सेक्सी सी लग रही है ना, लेकिन दूसरी वाली मुझे लग रहा है कि ज़्यादा बढ़िया लग रही है। लेकिन एक ये भी ट्राई की है, दिस इज़ XL, लेकिन इससे पहले ये मीडियम साइज पहना था, ये परफेक्टली फिट आया है, तो समझ नहीं आ रहा अब कौन से लूँ कौन से ना लूँ, गर्मी से बुरा हाल हो गया यहाँ पर, बाहर बहुत गर्मी है, अंदर तो चलो गाड़ी के फिर भी ठीक है। अभी वापस हम निकल आए थे TPO से, जैसे आपको कहा कि काम था, तो हमने कुछ चीज़ें कुरियर करनी है, और आज कैनेडा पोस्ट जल्दी बंद हो जाएगा 6-7 बजे। तो अभी मैं घर गया था, यहाँ पर मैं रुका हुआ हूँ, तो अभी वहाँ से ये ठंडे पानी की बॉटल्स उठा कर लेकर आया हूँ, साथ में स्मार्ट
गर्मी बहुत है, देखो ठंडा पानी पी रहे हैं तभी। तो आज 30 डिग्री सहन कर सकेंगे, तभी कल दुबई जाकर 45 डिग्री सहन कर सकेंगे। लेकिन अभी तो शाम होने लग गई है, 6:45 हो गए हैं, तो थोड़ी सी ठंड होने लग जाएगी। तो अभी ना मैं हैलिफैक्स से जो मेरे एयरपोर्ट्स हैं वो मैं लेकर आया था। यहाँ पर आकर मैंने उसको ओपन किया, उसमें सिर्फ एक एयरपोर्ट है, एक हैलिफैक्स में ही रह गया, घर में ही रह गया वहाँ पर। तो पता नहीं वो वहाँ पर भी है या नहीं है, लेकिन मिल नहीं रहा, मतलब कहने की बात ये है, एक एयरपोर्ट, जिसकी वजह से अब काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें आने वाली है, क्योंकि मेरा काफ़ी लंबा ट्रैवल है, उसके लिए एयरपोर्ट्स और हेडफोन जो भी एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, वो चाहिए चाहिए। तो अभी बेस्ट बाय आए हैं हम, एयरपोर्ट्स नहीं बाय करेंगे लेकिन सैमसंग के बड्स बाय करने के लिए आए हैं, क्योंकि वो थोड़े से चीप है। एयरपोर्ट्स तो कुछ $300 के पड़ेंगे, ज़रूर $300 स्पेंड करने हैं अगर $100 से बात बनती है ना। तो 6:00 पूरे बेस्ट बाय बंद हो जाएगा, और 6:01 हो गए हैं और उन्होंने बंद कर दिया है, जो अंदर है वो अंदर रह गए, जो बाहर है बाहर रह गए। तो अभी हम बाय करके बस निकल जाएंगे यहाँ से। अभी मुझे सब्सक्राइबर मिला था एक मेरा यहाँ पे जो काम करता है, तो वो भी देख कर शौक हो गया कि नोवा स्कोशिया से यहाँ पे कैसे। लेकिन अभी उसको मैंने बताया कि मैं बाय करने के लिए आया हूँ बेस्ट बाय में, तो वो लेने के लिए गया है, बस वो लेकर अभी निकलते हैं फिर जल्दी से। हाँ यही बने हैं, ठीक है। तो आप स्टूडेंट हो यहाँ? हाँ जी। कौन सी लेवल? अंबर। अंबर, अच्छा। कैसे चल रही स्टडी? बकवास, मतलब कंप्यूटर सिस्टम्स है, ठीक चल रही है, मैं इंटर्नशिप करके हटिया बस। ओके ओके ओके, ठीक है। पंजाब तो वहाँ से? मैं चंडीगढ़ तो। चंडीगढ़, ठीक है। मैं देखी थी पहले थॉडी ब्लॉग देखी थी मैं, ठीक है ठीक है। तो अक्षय दिन के। ओके ओके ओके, बाकी बहुत बढ़िया लगे थोड़े मिलकर, बहुत बढ़िया लगे, थैंक यू। तो अभी अंदर से आए हैं, एयरपोर्ट कह दिया, सैमसंग बर्ड्स लेकर एमरजेंसी में लेने पड़े। ये वाले बर्ड्स देखो, ये मैंने लिए सबसे सस्ते वाले, इसका दूसरा तीसरा भी वर्जन आ चुका है अभी, लेकिन मैं क्या करूंगा अगर मेरे पास ऑलरेडी एयरपोर्ट्स हैं ना, इसलिए तो ये मैंने सबसे सस्ते वाले लिए हैं, जो टैक्स मिलाकर $96 के पड़े हैं। लेकिन अब ये है कि प्लेन में मैं अपनी एडिटिंग कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे अपनी ऑन द वे एडिटिंग करनी है, जाते हुए व्लॉग्स डालने हैं, इसलिए चाहिए थे। पहली बार गाड़ी में अनबॉक्सिंग करने लगा हूँ किसी चीज़ की। देखो ये रहे सैमसंग बर्ड्स, देखने में तो काफ़ी सुंदर से लग रहे हैं। देखो ये सैमसंग बर्ड्स, कीड़े से लग रहे हैं, छोटे छोटे कीड़े, कॉकरोच वार के लग रहे हैं ना। सैमसंग बर्ड्स लाइव। एक और वायर आ गई एक्स्ट्रा, वायर्स तो मेरे पास इतनी पड़ी हुई है ना, पूछो मत, बहुत ज्यादा वायर्स घर पे, मैंने एक बैग छोड़ कर आया हूँ वायर्स का। टेस्टिंग कर रहे हैं अपने बर्ड्स की, बढ़िया आवाज आ रही है। देखो एक मैंने लगाया हुआ है, एक भाई ने लगाया हुआ है, कैसी आवाज है? बढ़िया आवाज, ठीक है, बट बढ़िया कर सकते। ये तो एयरपोर्ट्स प्रो है, ये तो सबसे बेस्ट लगते हैं मुझे। एक एयरपोर्ट गुम हुआ है लेफ्ट वाला, और अगर मैंने अकेला लेफ्ट वाला लेना है वो आएगा $115 का, सिर्फ एक एयरपोर्ट। और ये पूरे के पूरे बर्ड्स साथ में डब्बी मिलाकर साथ में वायर कितने के? $85 के, है ना, फर्क तो होना ही है। लगाए हुए भी बढ़िया लगते, चमकते पे यार। तो हमने कुरियर भी कर दिया है, और फाइनली अभी हम फ्री हो चुके हैं सारा कुछ डन करके, और अभी हम जा रहे हैं मोमोज खाने के लिए। आज आए हैं यहाँ पर, मोमोज खाएंगे और कल सुबह निकल जाएंगे अपने अगली फ्लाइट के लिए। देखो ब्रैम्पटन की सड़कें ना काफ़ी बड़ी बड़ी खुली खुली सड़कें हैं, उतना ही ट्रैफिक भी है यहाँ पर, उसी हिसाब से बनी हुई है। तो अभी हम आए हैं हाका खजाना मोमोज खाने के लिए यहाँ पर ब्रैम्पटन में। इसी चीज़ का सबसे ज़्यादा फायदा है कि यहाँ पर इंडियन फूड, चाइनीज़ फूड, जो भी खाना है आपको सारा कुछ मिलेगा, सारा कुछ, और वो भी बहुत बढ़िया बढ़िया। तो इसलिए अब यहाँ पर आए हैं खाने के लिए, देखते हैं कैसा फूड है इनका, कैसा रहता है। तो अभी सबसे पहले हमने करवाया है चिकन सूप, ये एक चिकन सूप $8 का है, मैं देख कर हैरान हो गया, इतना ज़्यादा।
देखो ये नॉर्मल साइज है जिसमें हमने डालकर पीना है, इसका साइज चेक करो, इसका साइज चेक करो, बहुत ज्यादा है। तो ये रहे मोमोज, क्या बात है, देखना स्टीम्ड मोमोज, 12 मोमोज है इसमें, 13-14 डॉलर के हैं, मजा आएगा। और इधर हमारा सूप अभी भी आधा पड़ा हुआ है, देखो बहुत फूड है। अभी अभी बस बाहर निकले हैं खाकर हाका खजाना से, हमने एक चिकन सूप करवाया, एक मोमोज करवाए थे जो आपको दिखाए, बहुत बढ़िया फूड था, मतलब दो लोगों के लिए मोर देन इनफ था। तो हमारा पेट अच्छे से फुल हो चुका है वो मोमोज खाकर और सिर्फ सूप पीकर, और मज़ा आया मतलब खाकर। ऊपर देखो प्लेट जा रहा है, तो हमारा पेट फुल हो चुका है वो खाकर, और बिल पता कितना बना है, ओनली $24, दोनों चीज़ों का सिर्फ $24 बिल बना। तो बस मुझे लगता है कि अभी तो यहीं पे ये वाला ब्लॉग ख़त्म करना पड़ेगा, क्योंकि तो अभी मैं घर जा रहा हूँ, बस अब जाकर मैं सो जाऊँगा, क्योंकि टाइम हो गया है 8:05, सुबह मुझे 3 बजे उठना है और 4 बजे निकलना है घर से, और 4 बजे निकलना है घर से क्योंकि 7 बजे की फ़्लाइट है। तो बस फिर अब ये वाला ब्लॉग यहीं पर ख़त्म करते हैं, मेक श्योर टू हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन, क्योंकि आने वाले बहुत बढ़िया ब्लॉग्स होने वाले हैं और कल से हमारा एक और सफ़र शुरू होने वाला है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू गाइज इन द नेक्स्ट ब्लॉग।